नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भगवान शिव जी की रोचक कहानी है। जब शमशान में अर्थी को देखकर हंसने लगे शिव जी। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कहानी। एक बार शिव भगवान शमशान में शांत बैठे थे। माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। भोलेनाथ मौन थे। माता पार्वती गंगाजल और बेलपत्र चढ़ा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद शमशान में एक अर्थी आई। भोले ने उस अर्थी को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिवजी को मुस्कुराता देख पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। तब माता ने शिवजी से पूछा, आप इस अर्थी को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब शिवजी ने बताया कि पार्वती, इस अर्थी पर जो आदमी लेटा है वो एक सेठ है। ये रोज मेरी पूजा करता था। फिर पार्वती ने पूछा, आपका भक्त होने के बाद आप इस पर हंस क्यों रहे हैं? तब शिवजी ने कहा, ये रोज मेरी तस्वीर की पूजा करता था, लेकिन दिन में 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता था। पार्वती ध्यान से शिवजी की बात सुन रही थी। सेठ मेरी झूठी कसम खाता था, पाप करता था, लोगों के साथ छल कपट करता था, लेकिन मेरी पूजा करता था, इसीलिए मैं ज्ञान देने उसके घर गया। शिवजी साधु का वेश धारण कर सेठ के घर गए और 2 रात उसके घर आराम किया। तब शिवजी ने सेठ से कहा, सेठ जल्द ही तुम मरने वाले हो, इसीलिए कुछ पुण्य का काम कर लो। यह सुनकर पहले तो सेठ भड़क गया, लेकिन थोड़ी देर बाद साधु से पूछा, बताओ क्या करना है? तब साधु ने कहा कि तुम घर छोड़कर वैराग्य जीवन अपना लो। फिर सेठ ने कहा, ठीक है, मैं वैराग्य अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए और मैं अपने पोते का मुंह देख लूँ, फिर जो तुम कहोगे मैं कर लूँगा। सेठ के बेटे की शादी हो गई और उनके पोता भी हो गया। तब साधु फिर सेठ से बोलते हैं, अब सब हो गया, अब तुम वैराग्य धारण कर लो। सेठ ने साधु से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम तो वैरागी हो चुके हो, अब क्या मुझे भी अपना जैसा बनाओगे? यह सुनकर साधु वहां से चला गया। अंततः सेठ घर परिवार में इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर शिवालय तक में जाना बंद कर दिया। आखिर में यमराज ही उसे लेकर गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यही सब सोचते हुए भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।